तहरीक इंसाफ ने साईं सरकार से सूबाई वजीर सेहत को हटाने, डबल सवारी पर पाबंदी के खात्मे, अस्पतालों की ओपीडीज खोलने, कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने, लोगों को राशन पहुंचाने और पानी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेरजवान कहते हैं कि हमारी खिदमत पीपी वालों के लिए चीखों का बायस बन रही है। टाइगर फोर्स को सियासी कहने वाले अपने मास्क पर एमएनएस के नाम छपवा रहे हैं। दो चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी जो कि मैं कराची से रिलेटेड आपसे कहूंगा कि डबल सवारी का फैसला आपका गलत है, इस फैसले को वापस लिया जाए। इसके ऊपर तरीकेकार जरूर बनाए जा सकते हैं। लाजिम कर लिया जाए कि हेलमेट जरूर पहने मोटरसाइकिल चलाने वाला, लाजिम कर लिया जाए जो दूसरा पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है वो मास्क जरूर पहने, या अगर ये भी समझ में नहीं आता तो किसी मर्द को नहीं बैठने देते तो घर में जो उनकी बीवियां माँ बहने ट्रेवल कर रही है, मजबूरी में हॉस्पिटल जा रही हैं, किसी मजबूरी में घर से निकल रही हैं, उनको इजाजत दी जाए। आपने तो ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया ना, क्या पैदल चलें? ये माएं बूढ़ी औरतें बुजुर्ग क्या पैदल चल 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 जाएं अगर हॉस्पिटल में जाना है? आपके पुलिस वाले रोड पे सड़क पे उतार देते हैं। 1,10,000 माफ करना 1.5 लाख मैंने ज्यादा बोल दिया, 1,10,000 राशन के बैग दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बरहमी की है, नैब से भी हमने डिमांड की है कि इनको इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन खुदारा जो पैसा आवाम का है, मेरी तनख्वाह जो आपने लिया उसका राशन किसको दिया है? मैं तो हिसाब लूंगा आपसे, कोई ले ना ले, अदालत में जाके खड़ा करूंगा, बताओ कि मेरी तनख्वाह का राशन किसको दिया आपने। हमारी मकबूलियत आपकी चीखों का जरिया बन गया है, लेकिन हम तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। आप हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि सियासत ना करें और आप मास्क बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी अपने एमएनए के जो है नाम छपवा रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि खुदारा इस वक्त सियासत ना की जाए, और अगर हम टाइगर फोर्स लेकर आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि सिंध के अंदर पीटीआई की जो टाइगर फोर्स है वो काम नहीं करेगी। आप हमें कहते हैं कि आप सियासत ना करें, लेकिन वजीर आला साहब कभी आईने के सामने खड़े होकर आपने देखा है कि आप क्या कर रहे हैं? इस सूबे की आवाम के साथ आपका क्या रवैया है?